गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल आपने थ्योरम 10.3 देखा था और आज आप 10.4 थ्योरम देखने जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट ए कार्ड इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड। अगर किसी कार्ड पर सेंटर के द्वारा कोई लाइन ड्रा की जाए और वो कार्ड को बाइसेक्ट कर रहा हो तो प्रूव कर दीजिए कि वो लाइन उस कार्ड पर परपेंडिकुलर होगा। यानी आपको ये दिया है कि अगर कोई कार्ड है सेंटर से उस पर लाइन ड्रा ऐसी की जा रही है कि उस कार्ड को बाइसेक्ट कर रहा हो तो वो लाइन परपेंडिकुलर होगा उस कार्ड पर। ये आपको प्रूव करना है। ये हमने आपको बताया था कि ये जो थ्योरम्स हैं ये आपको एज ए फार्मूले आपके क्वेश्चन में एक्सरसाइज में इस्तेमाल किए जाएंगे। ये थ्योरम आपको याद भी होना चाहिए और इसका प्रूफ भी मालूम होना चाहिए। तो ये प्रूफिंग आप देखें कि इसको प्रूफ आप कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। इसके लिए हमने एक सर्किल ड्रा कर दिया और सर्किल में कार्ड हमने ए बी ले लिया और सेंटर ओ से उस पर एक लाइन हमने ड्रा की जो कार्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। ए एम इज इक्वल बी एम है और ए एम और इज इक्वल बी एम होने पर आपको ये प्रूव कर देना है कि ओ एम जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है लाइन ए बी पर, कार्ड ए बी पर। इसको प्रूव करने के लिए हमने ज्वाइन किया लाइन ओ ए को और ओ बी को। लाइन जो है ज्वाइन किया ओ ए और ओ बी को। जैसे ही ज्वाइन किया ये जो है दो ट्राइंगलों में डिवाइड हो गया, एक आपका ट्राइंगल ओ एम ए और ट्राइंगल ओ एम बी। और दोनों ट्राइंगलों में को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट जो हम बराबर कर रहे हैं वो ओ ए इज इक्वल ओ बी लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं ऐसा? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में किसी भी सर्किल्स में रेडियस इक्वल होते हैं, यानी ओ ए इज इक्वल ओ बी हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट हम ओ एम को बराबर कर रहे हैं। दोनों ट्राइंगलों में आप देख रहे हैं ओ एम कॉमन साइड्स है, इसलिए ओ एम इज इक्वल ओ एम हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट जो आपको दिया है कि वो कार्ड को बाइसेक्ट कर रहा है यानी ए एम इज इक्वल है बी एम के, ये गिवन पॉइंट है आपका। और इस प्रकार तीनों पॉइंट बराबर हुए और तीनों पॉइंट बराबर होने से ट्राइंगल ओ एम कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ बी एम के। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ ये, आप इसके एंगल को बराबर ले सकते हैं। ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएगा एंगल ओ एम ए इज इक्वल एंगल ओ एम बी बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट आप कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से आप ले सकते हैं। ये दोनों एंगल को आपने बराबर कर दिया बाई सी पी सी टी। और दोनों एंगलों में रिलेशन है लीनियर पेयर का। हम लिख सकते हैं कि एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल है 180 डिग्री के। और ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। एंगल ओ एम बी के स्थान पे हमने एंगल ओ एम ए लिख दिया। एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम ए इज इक्वल 180, तो टू एंगल ओ एम ए इज इक्वल 180, देन एंगल ओ एम ए इज इक्वल 90 डिग्री। और एंगल ओ एम ए आपको मिल गया 90 डिग्री। सो आप देख सकते हैं कि ओ एम जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगा ए बी पे। और इसी स्टेटमेंट को आपको प्रूव कर देना था और ये आपका प्रूविंग हो गया। यानी दो थ्योरम्स आपको मिले, एक जो है आपको जो हमने सैटरडे को बताया था और जो आज बता रहे हैं। इन दोनों थ्योरमों में आपको सिर्फ याद ये रखना है कि अगर कोई सर्किल है और सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप की जाएगी किसी कार्ड पे तो कार्ड को बाइसेक्ट करेगा। ये आपका पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ क्या हो गया कि अगर कोई जो है लाइन सेंटर से ड्रॉप की जाएगी किसी कार्ड पर और वो कार्ड को बाइसेक्ट कर रहा हो तो वो कार्ड पर परपेंडिकुलर होगा। यही दोनों थ्योरम्स आपके लॉ होंगे या एज ए फार्मूले इस्तेमाल किए जाएंगे। दैट्स ऑल।